और आज हम कहाँ कहाँ जाने वाले? आज हम लोग पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, अभी तो करने ही वाले ब्रेकफास्ट, उसके बाद हम लोग को जाना है पंचायत डैम या पंचकोट जयचंद जी पास, उसके बाद फिर वापस आए। तो बने रहिए वीडियो के साथ और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। होप यू एंजॉय आवर व्लॉगिंग। सो इफ यू रियली एंजॉय प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। गाइस तो हम अभी जो है बोरंती से गरपंचकोट और जयचंडी पहाड़ ये दोनों चीज़ें अभी साइट सीनिंग करने के लिए निकल रहे और आप लोगों को दिखाएंगे आगे आगे। जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आप लोग भी देख पाएंगे क्या कैसे जगह है, क्या है, कुछ है, आप लोग कैसे आ सकते हैं, कैसे घूम सकते हैं, सब कुछ आपको वीडियो में आगे मिल जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। और अभी थोड़ा लेट हो गया है ब्रेकफास्ट करने में, थोड़ा लेट हो गया है, कैमरा सेटिंग चल रहा है, अभी गोप्रो फिट हो गया है पूरी तरह से और ये अभी बिल्कुल साफ़ हो गया है, उधर कार भी हमारा साफ़ हो गया है, बिल्कुल देख पा रहे हैं और भी लोग आए हुए हैं। तो आगे वीडियो के पहले बने रहिए और देखते रहिए, लेट्स गो। अभी हम लोग निकल गए घर पंचकोट के लिए और देखते हैं रास्ता कैसा है। वैसे कल इसी रास्ते से आए थे, नहीं इसी नहीं वो पीछे वाला रास्ते से आए थे, तो अभी जा रहे हैं एक नए रास्ते में। वो जो आपको दिख रहा है होगा सामने, ये पुल जो है पता नहीं आपको दिख पा हो रहा होगा नहीं क्या, नहीं ये जो लेक है हम लोग वो सीधा इधर से लेके ऐसे जाएंगे और ये जो बड़ा वाला पहाड़ आपको दिख रहा है इसके बगल से होते हुए आप सीधा निकल जाएंगे घर पंचकोट। तो वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए हमारे साथ ड्रीम मोटर स्पोर्ट, लेट्स गो। वैसे धूप बहुत है, धूप के कारण टैन भी हो सकता है। और पीछे पीछे मेरे आज भाभी जी बैठे हैं। भाभी जी हेलो। और आप देख पा रहे होंगे राइट साइड में जो है सीन बहुत अच्छा है। वैसे इधर आप लोग वीकेंड में कभी भी आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि आप क्या है ठंड की वक्त में ही नहीं आए, आप ऐसे कहीं भी मतलब साल के कुछ भी समय में आ सकते हैं, हर वक्त आप एंजॉय कर सकते हैं। रास्ता बहुत अच्छा है, अंदर का रास्ता थोड़ा ख़राब है तो मतलब अभी भी उतना सही नहीं है, मगर जो हाईवे का रास्ता इधर आने तक वो सीधा रानीगंज होके वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सही है, आप लोगों को मज़ा बहुत आएगा। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि हम लोग अभी ऐसे इधर से लेफ्ट टर्न लेंगे और व्यू बहुत अच्छा मिल रहा है, तो बने रहिए। चलो हमारी गाड़ी जा रही है सामने और हम पीछे पीछे आते हुए आराम से, ये देखो बछड़े, ये इन बछड़ों से इधर बच के रहिएगा यार, बहुत तकलीफ देते हैं यार। वीकेंड ट्रिप के लिए बोरंती एक बहुत ही अच्छी जगह है, मतलब साल के किसी भी समय आप आ सकते हैं, वीकेंड गुजार के आप जा सकते हैं, फैमिली को लेके आइए यार, बीवी को लेके आइए, घर वालों के साथ आइए या फिर गर्लफ्रेंड को लेके आइए, किसी को भी लेके आइए, मज़ा आपको बहुत आने वाला है क्योंकि जगह ही बहुत अच्छा है। मतलब जो इधर का आके जो फील मिलेगा ना आपको डिफरेंट लेवल ग्रो, बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया मिलता है, दिल को बहुत सुकून मिलता है इधर। इसीलिए मतलब कुछ सालों में बोरंती बहुत फेमस हो गया है, स्पेशली वेस्ट बंगाल में दूर दूर से लोग आते हैं।
बच्चे इधर इधर काली पूजो, हमारे वेस्ट बंगाल में काली पूजो होता है, एक त्यौहार है, उसके लिए चांदा कलेक्शन कर रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चे, इनको भी देख के अच्छा लगता है। टाटा टाटा। अगर एक बाइकर है या फिर बाइक लवर है या फिर बाइक लेके बहुत ज़्यादा राइड करना पसंद करते हैं, ठीक है, ओकेजनली, तो आपको ये जगह बहुत पसंद आएगा। इतना तो दावे के साथ कह सकता हूँ। वैसे भैया आगे गाड़ी चलाते हुए, वो भी मस्त फैमिली लेके, मतलब अपने ही लोग हैं सब, उधर अपना ही फैमिली जा रहा है, लेकिन वो कार में, हम लोग बाइक में। वैसे बाइक का मज़ा तो आप लोग को पता ही है, कुछ और ही है। यार बाहर बहुत सुंदर लग रहा है, हद से ज्यादा सुंदर लग रहा है। अब देख सकते हैं वो रहा है पंचकूट का मंदिर, वो उधर है, हम लोग उधर ही जा रहे हैं। देख सकते हैं भाई, घर पंचकोट। और इधर का जो सीन है, इधर का जो एक पुराना किला है, टूटा हुआ मलबा है अभी, मतलब कुछ वैसे पुरानी चीज़ें हैं, कुछ अभी इतना ही रह गया है, बाकी कुछ और बचा नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टीले हैं, तो इन सबको आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इन सबको दिखाते हुए हम लोग इधर का पूरा सीन कवर करेंगे। फिलहाल के लिए हम सब अभी थक गए, मतलब पता नहीं फैमिली थक गया है, तो उधर थोड़ा जूस वूस क्या सब पी रहा है, ठीक है। तो इसको दिखाने के बाद हम लोग जाएंगे सामने, उस एक टावर है उधर, अब उसके ऊपर मतलब चढ़ के आपको बाकी का सीन दिखाएंगे, तो बने रहिए वीडियो में। किले के अंदर घुसा हूँ, जिसका सीढ़िया पूरा मतलब टूट चुका था, मगर किसी भी तरह उठ रहे हैं हम लोग। तो आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर बहुत ही पुराना पुरानी ये किला है, तो सब लोग मना कर रहे थे, फिर भी आप लोगों को दिखाने के लिए मैं उठाऊँ। इसके लिए एक सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है, लाइक हो। और इधर से देख लो कैसा दिखता है, जो चीज़ बहुत ही पुराना है, मतलब 400-500 साल पुराना है। इसके ऊपर आप लोग के लिए उठाओ, ठीक है ना, देखते हैं। ये एक पुराना ऐसे खंडर बन चुका है, कुछ गेट टाइप था, ये 300-400 साल पुराना है। और मैं अभी जहाँ पे चढ़ा था वो इस जगह पे था, इसके ऊपर मैं चढ़ा था, अब देख ही पाए होंगे। तो इसके ऊपर चढ़ना मना है, और बहुत सारे लोग मना भी कर रहे थे, अंदर पूरा टूटा वूटा, आप तो देख ही चुके होंगे वो चीज़। तो फिर भी आप लोगों को दिखाने के लिए मैं चढ़ गया था। और ये जो मंदिर है, ये ऐसे 5 मंदिर थी, इसीलिए इस जगह का नाम गढ़ पंचकोट पड़ा था। और ऐसी मंदिर एक गवर्नमेंट ने प्रिजर्व किया है, जो है वो, अब जहाँ पे मैं चढ़ा था, ये जो छोटा सा दिख रहा है आपको,
ये था इस मंदिर का ये दोनों हिस्से, और बाकी के बड़ा जो ये जो चूड़ा था ये टूट के बिखर चुका है, बच गया ये दोनों। इसके ऊपर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी तो था, बहुत छोटा था, आधा टूटा उड़ा था, आप चढ़ नहीं पाओगे। मैं किसी तरह चढ़ गया था आप लोगों को दिखाने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं उस मंदिर। काफ़ी पुराना है मगर ये मेंटेन्ड है, वो सब टूट गया। ओके गाइस, तो अभी हम लोग निकल गए हैं गर्बन कोट से और वी आर हेडिंग टूवर्ड्स जय चंडी पहाड़। राइट नाउ आई एम क्रूजिंग एट 70 किलोमीटर पर आवर एंड ट्रस्ट मी इट्स फीलिंग हेवन लाइक। बहुत अच्छा नज़ारा है, बहुत रास्ता बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ चाहूँ तो ज़्यादा स्पीड में जा सकता हूँ लेकिन आई एम एंजॉइंग एट 70 किलोमीटर पर आवर एंड मुझे लग रहा है कि ये रास्ता, प्लीज़ ये रास्ता कभी ख़त्म ना हो क्योंकि इतना अच्छा रास्ता और इतना अच्छा लग रहा है आप लोगों को बता नहीं सकता मैं। बने रहिए वीडियो में। हेलो गाइस, अभी हम लोग घुस रहे हैं जय चंडी पहाड़ और हम लगभग करीब पहुंच गए हैं। मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा, रुकिए थोड़ा जाम क्लियर हो, रुक जाइए एक मिनट। राइट साइड में मेरे जय चंडी पहाड़ के थोड़े से नज़ारे व्यू आपको दिख रहे होंगे, मतलब मुझे तो दिख रहा है, पता नहीं आप लोगों को दिखेगा कि नहीं दिखेगा, कोशिश मैं कर रहा हूँ उसी जाइए। I don't know if you guys can see it or not, but it's very much visible. Just have a look. That is Jai Chandi Pahar. Yeah, that mountain over there is Jai Chandi Pahar. और हम लोग अभी घूम के उधर ही जाएंगे। हाँ ऊपर एक मंदिर भी है, चंडी माता का मंदिर है। उधर उठने के लिए कितने सीढ़ी चढ़ने पड़ेंगे? 500 सीढ़ी चढ़ के अब दिखेगा आप लोग। ये देखो ये है मंदिर, इसके ऊपर एक मंदिर है, ये है पहाड़, इसको जय चंडी पहाड़ बोलते हैं और इसके ऊपर हमें चढ़ना है, वो भी पैदल, गाड़ी नहीं जाता उधर, पैदल चलना मतलब चढ़ के उठना पड़ेगा। और ऊपर एक मंदिर है, आपको सामने पूरा दिखाएंगे जाके, तो लेट्स गो, चलते हैं।